कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी नौवें दिन भी जारी है। बुधवार को आयकर की टीम ने उनके रांची रेडियम रोड स्थित आवास और लोहरदगा के पैतृक आवास पर दिन भर छानबीन की। टीम ने जमीन के नीचे से लेकर दीवार और फॉल्स सीलिंग को भी खंगाला। आयकर टीम को सूचना मिली थी कि रांची आवास में जमीन के नीचे जेवरात छिपे हैं। आयकर छापेमारी नौवें दिन भी जारी, जहां साहू के रांची व लोहरदगा आवास में दीवार और फॉल्स सीलिंग की जांच हो रही है। कल जियो सिस्टम से आवासीय परिसर की जांच की गई थी, वहीं मंगलवार को सर्वेलेंस मशीन से जांच की गई थी। बुधवार को जियोलॉजिकल सर्वेलेंस मशीन से जांच की गई थी, वहीं लोहरदगा आवास में दीवार और फॉल्स सीलिंग की हो रही है जाँच। और इसी पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए आप वही आवास पे हैं और क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि आज नौवे दिन हो गया और छापेमारी जारी है, और पहले इससे पहले जो है वो सर्वेलेंस मशीन से जांच की गई थी, और आज कई दस्तावेज जो है वो फॉल्स सीलिंग की जांच की गई है, क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है अब? जी बिल्कुल, देखिए राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर शुरू हुई छापेमारी आज नवा दिन भी जारी है। रांची और लोहरदगा स्थित आवास पर इनकम टैक्स की जो रेड है वो जारी है, सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। अभी अभी जस्ट रांची स्थित रेडियम रोड स्थित जो आवास है धीरज साहू का, यहाँ पे आयकर की टीम जो है वो पहुंची हुई है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं जमीन के भीतर भी तो कोई संपत्ति या आभूषण या कैश को तो छिपाकर नहीं रखा गया है। तो इसको लेकर के आपने देखा भी कि कल जिस तरीका से लोहरदगा स्थित आवास पर भी जो है जियो सर्विलांस सिस्टम के जरिए जो है पूरा सर्च अभियान चलाया गया, पूरा कैंपस में सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन अभी तक उस सर्च अभियान में क्या कुछ मिला अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। दिसंबर से शुरू हुई इस कार्रवाई की बात करें, कैश के साथ कई बड़ी मात्रा में आभूषण भी बरामद किए जाने की सूचना है। हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो इनकम टैक्स के अधिकारियों के द्वारा अब तक नहीं दी गई है, लेकिन यह जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी जो और मोटी रकम जो कैश बरामद हुआ है, और इसको लेकर के तमाम तरह के जो दस्तावेज है वो भी खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ भी की जा रही है कि जो कैश बरामद हुआ है 350 करोड़ रुपया, वो कैश क्या लीगल है या अनलीगल है, अगर लीगल है तो वो पैसा का जो आय है उसका जो इनकम टैक्स जो पे करना होता है क्या वो पे किया गया है या नहीं किया गया, ये तमाम सवाल है। और उस तमाम सवाल के तहत जो है वो दस्तावेज को भी खंगाला जा रहा है कि किन किन स्रोत से किन किन माध्यम से जो है वो पैसा इकट्ठा हुआ है, और इसको लेकर आप देखें तो राजनीति भी जो है वो चरम पर है। लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है, देश के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके जो है कि अपना प्रतिक्रिया दिया है कि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने घेरे में लिया है कि कांग्रेस जो कि एक ईमानदारी की बात करता है और उनके जो नेता है वो किस तरीका से पैसे छिपा कर रखते हैं, ये तमाम तरह के सवाल है वो उठाए जा रहे हैं। बीते दिनों जब लोकसभा का सदन चल रहा था उस दरमियान भी इस मुद्दा को उठाया गया और यह पूछा गया, सीधे तौर पे कांग्रेस से ये सवाल किया जा रहा है कि धीरज साहू के ठिकाने से जो एक मोटी रकम बरामद हुई है लगभग 350 करोड़ रुपया, वो पैसा आखिर किसका है और वह पैसा किस काम के लिए है, ये तमाम सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब तक धीरज साहू के तरफ से या धीरज साहू के परिवार के तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या कहे तो किसी भी तरह का प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आया है कि उनसे जो पैसा बरामद हुआ है वो पैसा किनका है, किस काम के लिए एक जगह पे रखा गया है, ये तमाम जो सवाल है इसको अभी तक कोई भी जो है जानकारी अभी तक ना तो धीरज साहू के तरफ से दिया गया है, धीरज साहू के परिवार के तरफ से दिया गया है। लेकिन जिस तरीका से इसको लेकर रांची समेत पूरे प्रदेश
भी जो है वो लगातार इस मामले को लेकर के आवाज बुलंद कर रही है। कांग्रेस के तरफ से अभी जानकारी अभी तक जो दी जा रही है सिर्फ यही कहा जा रहा है कि धीरज साहू के व्यापार पर व्यापार और उनके पैसे जो बरामद हुए हैं उनसे कांग्रेस का किसी तरह किन इनकम टैक्स का जो रेट निरंतर जारी है। रांची स्थित जो आवास है यहाँ पर अभी अभी जो है इनकम टैक्स के जो अधिकारी है वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे पूरे जो एरिया है उसे सर्च किया जा रहा है जियो सर्विस सिस्टम के जरिए, जो पता लगाने की कोशिश हो रही है कि जमीन के अंदर कोई आभूषण या फिर कैश तो छिपाकर नहीं रखा गया है। तो ये तमाम सवाल है और धीरज साहू के तरफ से अभी तक ना कोई स्टेटमेंट आया है और धीरज साहू कहाँ है इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी भी जो है वो धीरज साहू के स्टेटमेंट या फिर धीरज साहू के परिवार का स्टेटमेंट का इंतजार कर रही है कि धीरज साहू के तरफ से या धीरज साहू के परिवार के तरफ से कोई जानकारी जो है वो दिया जाए। और ये जानकारी तमाम राज्यवासी भी जानना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी जानना चाहती है और बीजेपी भी जानना चाहती है। इस मुद्दा को लेकर के लगातार जो है कांग्रेस लेकिन जो अभियान जो कर सकते हैं कि जो जी दीपक बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए बता रहे जहाँ पे रांची स्थित धीरज साहू आवास से हमारे दीपक सहयोगी बने हुए थे और वहां छापेमारी अभियान नौवे दिन भी जारी है। सीलिंग फॉल सीलिंग दीवारों की जांच हुई है और वहीं कल जियो सिस्टम से आवासीय परिसर की जांच हुई थी। रांची और लोहरदगा में ये रेड अभी भी जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।